हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो मैंने बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने आप लोग बताया भी था कि पिछले 1 से 1.5 महीने में कुल 4 टॉपिक हैं जो कि ट्रेंडिंग में रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड, ICC Under-19 वर्ल्ड कप, बाफ्टा अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड, जिसमें कि ऑस्कर, Under-19 और बाफ्टा से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में वो अपलोड है। अभी तक यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो जा करके देख सकते हैं। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है ग्रैमी अवार्ड्स का, तो अभी के इस वीडियो में हम ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्हें डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही जो प्रीवियस अवार्ड रहे हैं बाफ्टा और ऑस्कर, इन्हें हम रिविज़न कर लेंगे ग्रैमी अवार्ड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 से, जबकि जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई 16 मई 1929 से, और बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत की गई थी 29 मई 1949 से। ग्रैमी अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये संगीत जगत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, ये दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारी मंथली PDF को परचेस नहीं किया है, जिसमें कि जनवरी माह के 250+ MCQ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्टर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, तो इस PDF को आप परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जिस तरह से आप डिमांड करते हैं, सेम उसी तरह से वीडियो अपलोड किए जाते हैं, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को संपन्न ग्रैमी अवार्ड का कौन सा एडिशन था? यदि हम बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो इसका था 62वां एडिशन। जो ऑस्कर अवार्ड रहा, इसका रहा 92nd एडिशन, और बाफ्टा अवार्ड का अभी मैंने बताया था, इसका था 73rd एडिशन। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लॉस एंजल्स USA में। कैलिफोर्निया USA में किसका आयोजन किया गया था? ऑस्कर अवार्ड का। और बाफ्टा अवार्ड, इसका आयोजन किया गया था लंदन UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में एल्बम ऑफ द ईयर, इसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप, जो कि बिली एलिस का एल्बम है, इसने ही जीता एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इसका अवार्ड किसने अपने नाम किया है? ये जीता बैड गाय ने। बैड गाय ये भी बिली एलिस का ही रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड भी अपने नाम किया है बिली एलिस ने। तो बिली एलिस से रिलेटेड आप 3 अवार्ड याद रखेंगे, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड, ये भी जीता है बिली एलिस ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीता इगोर ने, टाइलर द क्रिएटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है बेस्ट रैप एल्बम के बारे में, और अब बात आई है बेस्ट रैप सॉन्ग की, तो यह अवार्ड अपने नाम किया एलॉट ने। तो दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है तान्या टकर ने, वाइल आई एम लिविन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये जीता है बिली एलिस के ही सॉन्ग बैड गाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट रॉक एल्बम का अवार्ड किसने अपने नाम किया है? तो ये खिताब जीता है सोशल कूज ने, केस द एलिफेंट के लिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि बार बार एल्बम का नाम सामने आ रहा है। तो चलिए हम रिविज़न कर लेते हैं। बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर ये जीता बिली एलिस ने, बेस्ट रैप एल्बम ये जीता इगोर ने, बेस्ट कंट्री एल्बम ये जीता तान्या टकर ने, और हम बात कर रहे हैं
बेस्ट रॉक एल्बम की, जो कि जीता है सोशल कूज ने, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिक का अवार्ड किसने अपने नाम किया है? तो ये खिताब अपने नाम किया है ब्लैंटन अल्सपॉज ने। ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड किसने जीता है? तो यह अवार्ड अपने नाम किया ओल्ड टाउन रोड ने। यह कुछ डिफ़िकल्ट नाम है, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान से वीडियो आप देखिएगा। ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट फोक एल्बम का अवार्ड किसने अपने नाम किया है? तो फोक एल्बम यह अवार्ड जीता पैटी ग्रिफिन ने। ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट कॉमेडी एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो कॉमेडी एल्बम इसका अवार्ड जीता डेव चैपल ने स्टिक्स एंड स्टोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में सबसे ज़्यादा बार किस सिंगर को नॉमिनेट किया गया? तो देखिए, सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेट किया गया लीजो को, और कितने बार नॉमिनेट किया गया? कुल 8 बार। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2020 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किस सिंगर ने जीते हैं? तो देखिए, यहाँ पर विनर की बात की जा रही है, नॉमिनेशन में तो लीजो को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले, कुल 8 नॉमिनेशन। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस सिंगर ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते, तो बिली एलिस और लीजो, इन दोनों ने ही सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं, यानी कि कुल 5-5 अवार्ड अपने नाम किए हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, ये थे ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड टॉप 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, और इसी वीडियो के कंप्लीट होने के साथ आपके चारों ट्रेंडिंग टॉपिक के भी वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।